जय हिंद, आप सभी को स्वागत है आप सबका एक बार पुनः विद्या लाइव यूट्यूब चैनल पर। तो आज का आइए आज देखते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर से का कि किस राज्य ने, देखिए आपको दिख रहा होगा कि किस राज्य ने राज्य जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू जल कनेक्शन वाला राज्य बन गया है। कि मतलब घरेलू कनेक्शन, जल को घर तक पहुंचाने के लिए ऐसा कनेक्शन करने वाला, जल कनेक्शन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो देखिए वो है आपका कौन सा राज्य है, गुजरात। गुजरात राज्य 100% जो है हर घर जल पहुंचाने के लिए, जो हर घर जल कनेक्शन है, अब जल पहुंचाना पाइप के माध्यम से पहुंचाना, ये नहीं कि किसी टैंकर में भर करके पहुंचाना, पाइप के माध्यम से जल कनेक्शन पहुंचाने वाला राज्य कौन बन गया है, गुजरात बन गया है। गुजरात को देखिए, गुजरात को हर घर जल घोषित कर दिया गया है। हर घर जल घोषित होने वाला, ये आपका एक फैक्ट बन जाएगा कि गुजरात को, किस राज्य को हर घर जल घोषित किया गया है अभी हाल ही में, तो ये कौन है, गुजरात। गुजरात को हर घर जल घोषित किया गया। दूसरी बात है हरियाणा और तेलंगाना, हरियाणा और तेलंगाना के बाद गुजरात देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अब ये ऐसा नहीं कि किस क्षेत्र, किस मामले में तीसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है, अरे किस मामले में, जल मिशन को पूरा करने वाला तीसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है, जिसे जल मिशन को पूरा करने का पूरा किया है और उसे क्या घोषित किया गया है, जल मिशन राज्य घोषित कर दिया गया है। दूसरी बात है गोवा जो है राज्य, देश का एक ऐसा पहला राज्य जिसने जल कनेक्शन लिया, जल मिशन को पूरा कर लिया, सबसे पहले अगर किसी ने जल मिशन को पूरा किया है वो आता है गोवा। गोवा ने सबसे पहले जो है जल कनेक्शन को पूरा किया है। अब बात करते हैं जल मिशन की, जल जीवन मिशन क्या है, इसकी शुरुआत कब की गई, जल मिशन की शुरुआत कब होती है। तो जल मिशन की जो शुरुआत की गई है, यह शुरू किया गया है 15 अगस्त 2019 को। 15 अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन पूरे भारत में जो है प्रभावी है, लागू है। किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई, प्रधानमंत्री, इसकी घोषणा किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसकी शुरुआत की गई है, जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह शुरू किया गया। अभी देखिए जल जीवन मिशन किसका अंग है, तो जल जीवन मिशन जो है वो जल शक्ति, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जल शक्ति मंत्रालय। जो जल जीवन मिशन है ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और जो जल शक्ति मंत्रालय है वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए नाम तुरंत, जल शक्ति मंत्री का नाम क्या है। जल शक्ति मंत्री है वर्तमान भारत के गजेंद्र सिंह शेखावत, भारत के वर्तमान में कौन है, ये जल शक्ति मंत्री है। और जल शक्ति मंत्रालय है इसी के अंतर्गत आपका जल जीवन मिशन योजना चल रहा है। और जल जीवन मिशन योजना जो चल रहा है इसका आदर्श वाक्य क्या है, जल जीवन मिशन का आदर्श वाक्य, पॉइंट विल बी नोटेड, जल जीवन मिशन का आदर्श वाक्य, क्या है। तो जो जल जीवन मिशन का आदर्श वाक्य है, कोई भी घर ना छूटे, ये किसका आदर्श वाक्य है, ये आपके जल जीवन मिशन का आदर्श वाक्य है। और जो किसके अंतर्गत चल रहा है, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत चल रहा है। और आप देखिए जल मिशन को 100% पूरा करने वाला कौन राज्य, आपको पता चल गया गुजरात। आइए गुजरात के बारे में देखते हैं, गुजरात क्या है, गुजरात से ढेर सारे प्रश्न बनते हैं, यहाँ की विधानसभा, राजधानी, यहाँ का राजकीय चिन्ह, ये सारी बातें हम देखते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात के बारे में सबसे पहले जानते हैं गुजरात, गुजरात का गठन कब हुआ, इसका गठन 1 मई 1960 को गठन होता है गुजरात का। तो अभी
इसी समय यह भी प्रश्न बता दीजिए कि 1 मई 1960 को और कौन सा वो राज्य है जिसका गठन किया गया है, गुजरात का। गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और आप जानते हैं गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन है गुजरात का? वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी। साबरमती नदी के किनारे स्थित है आपका अहमदाबाद। और अहमदाबाद गुजरात के बारे में जानेंगे, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें, गुजरात के राज्यपाल कौन है? गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। यहां के क्या है? यहां के जो है आपके राज्यपाल है गुजरात के। गुजरात के विधानसभा की बात करते हैं, गुजरात के विधानसभा की सीट कितनी है? गुजरात के विधानसभा की सीट 182 सीट है। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 11 सीट है। लोकसभा की कितनी सीट है? गुजरात के लोकसभा की जो सीट है वो है 26 सीट। तो 26 सीट लोकसभा, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीट, आचार्य देवव्रत यहां के राज्यपाल, भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री, अहमदाबाद यहां का सबसे बड़ा शहर, राजधानी गांधीनगर, गठन 1 मई 1960 को। यह है आपके गुजरात का। अभी अहमदाबाद से और आप जानिएगा कि अहमदाबाद जो है आपके ये विश्व विरासत स्थल जो है उसमें शामिल सबसे पहले यही हुआ था। ये चिन्ह गुजरात के राजकीय चिन्ह। गुजरात का जो राजकीय चिन्ह है, इसमें राजकीय पशु क्या है? पशु वो है एशियाई शेर। गुजरात का राजकीय पशु एशियाई शेर। राजकीय पक्षी क्या है? ग्रेट फ्लेमिंगो यहां का क्या राजकीय पक्षी। गुजरात का जो राजकीय वृक्ष बनियान ट्री, बरगद का पेड़। गुजरात का राजकीय फूल क्या है? गुजरात का राजकीय फूल मैरीगोल्ड। मतलब क्या? गेंदा। ठीक है ना, आप सोच रहे हैं गुजरात अंग्रेजी बहुत बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये सब बस थोड़ी बहुत जानकारी है। गेंदा। आप जानते हैं यहाँ का राजकीय नृत्य क्या है? गुजरात का राजकीय नृत्य जो जिसे बहुत ज्यादा मान्यता मिली है वो आपको पता है, गरबा। गरबा यहाँ का राजकीय नृत्य है। और आप जानिए गुजरात से, गुजरात के राजकीय नृत्य, राजकीय फूल, राजकीय वृक्ष, ठीक है ना। बाकी आप देखिए राजधानी जान रहे हैं, नदी जान रहे हैं, और गुजरात से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो आपको पता है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा या यूं कहिए सबसे ऊंची मूर्ति, वो भी आपको पता है, वो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है, और जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये सबसे ऊंची प्रतिमा, ये कहां स्थित है? तो आपको ये भी पता है कि केवड़िया कहां है? गुजरात में। केवड़िया गुजरात में स्थित है, ये भी गुजरात से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, केवड़िया। अब इस मूर्ति की जो है ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई आपको पता है 182 मीटर। 182 से याद करने के लिए देखिए विधानसभा की सीट भी कितनी है? 182। मूर्ति ऊंचाई कितनी है? 182। दोनों से कोई एक याद है, आराम से आप क्लियर कर ले जाएंगे। ऊंचाई कितनी है? 182। वास्तुकार का मतलब होता मिस्त्री, जिसने इसको बनाया, डिजाइन किसने दिया, वो उसका नाम क्या है? राम बी सुतार। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है। अगर आप उस नदी का नाम बता रहे हैं तो नदी का उद्गम स्थल कहां है वो भी बताइए। और साथ ही साथ केवड़िया से प्रश्न और आप जानिए। केवड़िया से आप प्रश्न जानेंगे कि ओनली केवड़िया जो है, केवड़िया से आप एक प्रश्न ये जानेंगे कि ओनली इलेक्ट्रिकल व्हीकल शहर केवड़िया है। गुजरात का कौन सा शहर है? केवड़िया। इसका सीधा सीधा मतलब है गुजरात के केवड़िया में कोई भी गाड़ी, मतलब जो इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी वही प्रवेश कर पाएगी। इस शहर में केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलती हैं और अन्य कोई गाड़ी नहीं चलती है।
यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, जय हिंद।